छोटा नागपुर इलाके के फोटो ले लेना। ये राष्ट्रीय सचिव हुए हैं गुजरात का, बधाई हो, बहुत बहुत राष्ट्रीय सदस्य सबकी तरफ से सेवा जोहार। और ये जो आने वाला लोकतांत्रिक महोत्सव जो आ रहा है, उस लोकतांत्रिक उत्सव में झारखंड की जनता अपने विवेक से और उत्साह के साथ जोरदार प्रदर्शन करे, इस बार हमें आभास हो रहा है। भारत आदिवासी पार्टी झारखंड के अंदर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बनी हुई है, यहाँ से हमारे राष्ट्रीय सदस्य भी हैं, और आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के साथियों को बताना चाहूँगा कि इस लोकतांत्रिक देश के अंदर वर्तमान समय में सबसे कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, जो आपके बीच में आज है। भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में इसलिए आने की जरूरत पड़ी कि जिस उद्देश्य से हमारा देश आजाद हुआ था और आजाद भारत के अंदर झारखंड राज्य को लेके कई आंदोलन हुए, कई आंदोलनों में आंदोलनकारी शहीद भी हुए, कई जनों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद जिस उद्देश्य से इस राज्य का जो निर्माण हुआ था, इन उद्देश्यों पे कोई भी सरकार रही हो वो खरा नहीं उतरी है। राज्य निर्माण के वक्त यहाँ के लोगों ने बड़ी आस लगाई थी कि हमारा राज्य बनेगा और राज्य बनने के बाद एक स्वामित्व स्थापित होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और आज़ादी से पहले जो महापुरुष जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे, बिरसा मुंडा की धरती कहा जाता है, बिरसा मुंडा का जन्मस्थल यहाँ हुआ है, और इस धरती से ही ये आंदोलन हुए थे पूरे देश के अंदर, और पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय बिरसा मुंडा जी को आदर्श मानता है, साथ ही अन्य समुदाय भी आदर्श मानता है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले। लेकिन आजाद भारत के बाद राज्य का निर्माण हुआ, राज्य के निर्माण के बाद बिरसा मुंडा के जो उद्देश्य थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी पे किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया। आज भी झारखंड के अंदर आदिवासी समुदाय और यहाँ का मूल समुदाय जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आ रहा है, वर्तमान सरकार उससे पूर्व की सरकार ने विकास के नाम से जमीन हड़पने का काम किया। वर्तमान में जो सरकार आई सत्ता में झारखंड में, उससे पूर्व जो सरकार थी रघुवर दास जी की सरकार थी, उन्होंने लैंड बैंक के नाम से एक अभियान चला के आदिवासी समुदाय के जितने जो पूजा पद्धति स्थल थे, आदिवासी समुदाय के कब्जे शुदा जो जमीन थी, हजारों सालों से वो खेती बाड़ी करते आ रहे थे, इन जमीन को रिकॉर्डली हड़पने का काम किया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में गई, और चुनावी मैदान में जाने के बाद जनता ने भरोसा जताया, लेकिन 5 साल होने आ गए, लैंड बैंक का जो इशू था अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। झारखंड में ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, एक मुझे जानकारी मिली, उस जानकारी प्राप्त करने के बाद काफी दुख हुआ कि देश के अंदर पैसा एक्ट बना हुआ है और झारखंड के अंदर आज तक उसके नियम नहीं बने हुए। पहले भी आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, अभी भी है, लेकिन पैसा एक्ट का कानून आज तक नहीं बना पाई झारखंड की सरकार। आदिवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच है पैसा एक्ट, ताकि कोई भी कंपनी केंद्र या राज्य सरकार बिना साम सहमति से जमीन नहीं हड़पे, लेकिन झारखंड के अंदर आज भी पैसा कानून नहीं बन पाया, ये एक बड़ी दुखद बात है। अन्य राज्यों में, सारे राज्यों में पैसा नियम बन गया है, लेकिन झारखंड के अंदर नहीं बनाया, जिसके वजह से आदिवासी समुदाय की जल जंगल जमीन आए दिन हड़पा जा रहा है। इस इलाके के अंदर और यही नहीं, पूरे देश के अंदर आदिवासियों की अपनी एक आइडेंटिटी को लेकर आंदोलन अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे किए जा रहे हैं। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, और साथ ही इस देश के अंदर अनेक धर्म भी हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक समुदाय है। आदिवासी की जो आइडेंटिटी, जो आदिवासियों की एक अलग धार्मिक जनगणना, जब देश के अंदर 1871 में जनगणना कोलम जब हुआ, आदिवासियों को अलग से जनगणना हुई, 1951 तक हुआ,
लेकिन वर्तमान या पूर्व की जो सरकारें रही आदिवासियों के लिए अलग से नहीं, इसकी वजह से आदिवासी समुदाय अलग सभी धर्मों में बढ़ गया। तो सरना धर्म जो झारखंड में लंबे समय से जो डिमांड चल रही है, तो सरना धर्म कोड को लेके भारत आदिवासी पार्टी और साथ ही पूरे देश के अंदर आदिवासी धर्म कोलम को लेके भी आंदोलनरत है। और इस बात को लेके मैं जब संसद में गया तो मैंने जो सरना धर्म कोड की जो डिमांड थी उस डिमांड को रखा है और बहुत जल्द भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में लोकसभा में इस बात को रखेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे कि 11 नवंबर 2022 को जो झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पास होकर केंद्र को गया था उस पर क्या अमल किया गया। ये प्रस्ताव केंद्र के पाले में फेंक के शांति से बैठे, केंद्र टालम टोल कर रहा है, मतलब उसको जिम्मेदारी से सरना धर्म कोड की जो डिमांड करनी थी उसकी जो पैरवी करनी थी वो किसी भी पार्टी किसी भी सरकार ने सही तरीके से नहीं किए। और भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में पुरजोर तरीके से केंद्र के अंदर ये बात रख के इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। इन समस्त मुद्दों को लेके भारत आदिवासी पार्टी चुनावी मैदान में आई है और हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है मजबूती से लगी हुई है। अवश्य झारखंड के अंदर एक नया परिवर्तन आएगा और साथ ही पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी जोर शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है और बहुत जल्दी झारखंड के अंदर भी हमारी पार्टी की तरफ से वर्क किया जाएगा और हम बाकी जो पार्टियां हैं वो सत्ता प्राप्त करने को लेके लड़ती है, भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों के हक अधिकार को लेके लड़ रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आदिवासियों की जल जंगल जमीन बचाना, आदिवासियों का स्वाभिमान बचाना, आदिवासियों का इतिहास जो खत्म किया जा रहा है उसको उजागर करना और आदिवासी के कल्चर उनकी धार्मिक आइडेंटिटी को बरकरार रखना भारत आदिवासी पार्टी का मूल उद्देश्य है और उन्हीं उद्देश्यों को लेके मैदान में जाएगी। और अवश्य हमें उम्मीद है, मैं कल से आया देख रहा हूँ झारखंड के अंदर लोगों को ठगा गया है, साथ ही जो हो भाषा है मंडारी है, कुड़को है, जितनी जो स्थानीय भाषा है संथाली भाषा है सारी भाषाओं को लेके और नागपुरी जो कॉमन जो बोली जा रही है इन भाषाओं को लेके कुरमाली इन सारी भाषाओं को लेके मैं लोकसभा के अंदर बात रखेंगे और आठवीं अनुसूची के अंदर हम उनको जुड़वाएंगे बहुत जल्दी। इस पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया तो जिस संघर्ष के साथ झारखंड का निर्माण हुआ और झारखंड का निर्माण होने के बाद झारखंड के लिए जो पॉलिसी आनी चाहिए वो नहीं आ पाई और जेजेएम को जो सरकार है अभी आज जेएमएम की उस सरकार को पैसा एक्ट की नियमावली बना के उन्होंने दिया है लेकिन उस पे किसी प्रकार का काम नहीं किया। और आज भारत आदिवासी पार्टी का कमान संभालने के लिए तैयार हुए हमारे प्रभाकर जी तिर्की और उन्होंने हमने उसका स्वागत किया है और भारत आदिवासी पार्टी उनको राष्ट्रीय सचिव बना रही है।